हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके प्रेजेंट हैं। ये लास्ट वीडियो है सॉलिड स्टेट की। इससे पहले दो वीडियोस और कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर देख सकते हैं, या आपको आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में जो हम बात करने वाले थे, स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, रिविज़न बैच, जिसमें हम स्ट्रेटजी के साथ एक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप केमिस्ट्री के पेपर में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर पाए, जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल रहा है। इन प्रीवियस दो वीडियोस में भी 35 आउट ऑफ 35 का ही कंटेंट आपको दिया गया है, ताकि आसानी से आप 35 में से 35 इन केमिस्ट्री के पेपर में कवर कर पाए। पहली वीडियो हमने बात की थी कि सॉलिड स्टेट से लेकर उसके कुछ डिफरेंशियस के बारे में बात की थी, क्रिस्टलाइन और एमरफस के बारे में, और कुछ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था, ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है, आयनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हमने जाना था। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्ड्स और डिफेक्ट्स को लेकर। तो स्टार्टिंग करते हैं वर्ड्स को लेकर। वर्ड्स होते क्या हैं, तो वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्स जो आपके होते हैं वो क्लोज पैकिंग के लिए होते हैं। क्लोज पैकिंग में वर्ड्स कैसे देखे जाएंगे, तो हम देखें कि हेक्सागोनल में कैसे पॉइंट्स होंगे। इसमें सिंपल सा है, दो तरह के वर्ड्स हम पढ़ेंगे, एक तो टेट्रागोनल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और एक पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सबके फिगर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करें कि वर्ड्स के बारे में देखें, तो फर्स्ट जो रहेगा आपका क्लोज पैकिंग ऑफ द स्फीयर्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वन डायमेंशन में ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। सेकेंड की बात करें, यानी टू डायमेंशन की बात करें, तो टू डायमेंशन में जो फिगर आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी टू डायमेंशन में एक आपका जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल ऐसे बनेगा और हेक्सागोनल ऐसे बनेगा। टेट्राहेड्रल्स कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल वो वर्ड्स, वो स्फीयर होते हैं आपके जिसमें एक एटम अपने चारों तरफ चार एटम को कंज्यूम करके चलता है, एक एटम चार एटम को कंज्यूम करके चलता है, जैसा फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा उसके बारे में। नेक्स्ट जो फिगर है आपका हेक्सागोनल फिगर जो बना रहा है, यानी कि एक अरेंजमेंट है जिसमें ए बी अरेंजमेंट उसे कहा जाता है, और जो आपका एक स्क्वायर तरफ का फिगर आपको बन के आ रहा होगा उसमें ए बी नहीं कहेंगे तो ए, यानी कि एक जैसे स्फीयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, एक जैसे सीरीज आपको चलती हुई दिखाई देगी। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट वाला जो दे रखा है जिसमें हेक्सागोनल स्फीयर दिखाया गया है, हेक्सागोनल वर्ड्स के बारे में दिखाया गया है, उसमें आपका क्या है, एक एटम है जो कितने सराउंडेड एटम से अटैच है, 2, 3, 4 and 5, 6 से अटैच है आपका। ठीक है भाई, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होगा वो ए ए की फॉर्मेशन करके चलते हैं, ए ए वर्ड्स बना के चलते हैं। अब इसमें वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड्स होता क्या है। वर्ड्स सिंपल से आपका वो रहता है कि एक आपने अरेंजमेंट लगा दिया, जैसे अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक अरेंजमेंट आपने लगा दिया, उनके बीच में जो स्फीयर स्पेस खाली रह गया है, यानी कि एक आपने स्फीयर ऐसे लगा दिया, एक शीट आपने ऐसे लगा दी, इसके ऊपर एक और शीट लग गई, उसके ऊपर एक और शीट लग गई, या तीन शीट लग गई, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो रहेगा, कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। जैसे आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, सपोज करिए आपके पास 45 बॉल्स हैं, 45 बॉल्स की एक लेयर आपने नीचे बचा दी, दूसरी लेयर उसके ऊपर, तीसरी लेयर उसके ऊपर, यानी कि एक बॉल के ऊपर ही एक बॉल रखी है आपने, तो यानी वो कैसा अरेंजमेंट है, ए ए ए सीरीज का अरेंजमेंट है। ए ए सीरीज का अरेंजमेंट जब रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेयर तो है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली बचेगा, कुछ ना कुछ स्पेस जो खाली बचेगा उस खाली स्पेस को ही वर्ड्स कहा जाता है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स वो होते हैं जो स्पेयर सिर्फ चार और स्पेयर से घिरे हुए रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है टू डायमेंशन में। ऑक्टाहेड्रल जो रहते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कैसे रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो रहते हैं आपके वो ऑक्टाहेड्रल रहते हैं जो 8 स्फीयर से कनेक्टेड रहेंगे, और फिगर उनका रहेगा ऐसा। देखिए भाई, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, फिगर आपको दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल जो 6 स्फीयर से घिरे हुए रहेंगे वो ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। अब वर्ड्स की बात करें, तो वर्ड्स का फिगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वर्ड्स होता क्या है, एक टेट्राहेड्रल की सीरीज आपको दे रखी है, एक ऑक्टाहेड्रल की सीरीज दे रखी है, फिर टेट्राहेड्रल की सीरीज दे रखी है, एक ऑक्टाहेड्रल की सीरीज दे रखी है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली है, वो जो स्पेस खाली है उसी को टेट्राहेड्रल वर्ड्स या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स या दोनों के वर्ड्स होते हैं कहा जाता है। कुछ और फिगर हैं, अगर इनके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो रहेंगे, नंबर्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, क्लोज पैक्ड स्फीयर कितने होते हैं, एन हमने मान ली है, एन मान लेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो निकल कर आएंगे वो एन निकल कर आएंगे, और जो नंबर ऑफ वर्ड्स निकल कर आएंगे ऑक्टाहेड्रल के वो कितने निकल आएंगे,
टू निकल कर आएंगे। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो कितना निकल कर आएंगे, एन निकल कर आएंगे। और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वो कितना निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स 2n निकल कर आएंगे। उनके कुछ स्फीयर आपको वन बाई वन, उनके कुछ फिगर्स आपको वन बाई वन दिखाई दे रहे होंगे। हेक्सागोनल पैकिंग ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो भी फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। हेक्सागोनल कैसी फॉर्मेशन है, ए शीट बी शीट ए ए, यानी ए बी ए बी का फॉर्मेशन बन रहा है। क्यूबिक की बात करें तो ए बी सी का फॉर्मेशन बन रहा होगा, ए बी सी का फॉर्मेशन बन रहा होगा। एस सी पी का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और एफ सी सी का भी स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है आपके वो डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं, डिफेक्ट्स होते क्या हैं, डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। पहला जो रहता है आपका स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट होता है, दूसरा जो होता है आपको नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, थर्ड जो रहता है वो रहता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्स्ट स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड जो है आपका वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा हो रही है। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार की होती है। तो स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में पहला जो आता है वो वैकेंसी डिफेक्ट आता है, जैसा कि फिगर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है, सिंपल सा वैकेंसी डिफेक्ट में ये होता है कि फिगर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट है कैसा। तो वैकेंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करें कि व्हेन सम ऑफ दीज लैटिस साइड्स, यानी कि ये जो लेटेस्ट साइड रहेंगे वो कैसे हैं वैकेंट, कुछ कुछ फिगर देखने को मिल रहे होंगे, कुछ फिगर्स इसमें कैसे हैं, कुछ फिगर्स या कुछ स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी डिफेक्ट्स के, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, किसी की कमी। यानी कि एक सिंपल सा क्रिस्टल आपका बनकर आ रहा है, सिंपल सा एक लेटेस्ट बनकर आ रहा है, उसमें कोई ना कोई स्पेस खाली छूट जाए वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा आपका। कुछ ना कुछ यहाँ से भी निकल सकता है, नीचे से भी निकल सकता है, कहीं और से भी निकल सकता है, वो कहलाएंगे आपके वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड जो होता है आपका इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट इसका भी फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो कैसे डिफेक्ट होते हैं, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होते हैं कि व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स में गिवन किए जाते हैं, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टीशियल साइड। इंटरस्टीशियल साइड्स का मतलब यह है वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, वहाँ से जो स्पेस खाली हुआ था अब एक लैटिस आपको दिखाई दे रहा होगा उसके बीच में घुसना चालू हो जाए, यानी कि आराम से कोई अरेंजमेंट लगा हुआ है उसके बीच में जाके घुस के अपना जगह बना ली। जैसे बहुत से बच्चे भी ऐसे होते हैं कि एक सीट पर चार बैठने की गुंजाइश है फिर भी क्या करेंगे, इधर धक्का मार उधर धक्का मार बीच में जाके बैठ गए, यानी कि जगह तो है लेकिन उतनी प्रॉपर जगह नहीं है, जो रीअरेंजमेंट पहले बन रहा था वो अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा, उस पूरे अरेंजमेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, पूरे अरेंजमेंट को बिगाड़ देंगे, वो कहलाते हैं आपके इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट भी चर्चाते हैं। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो होता है वो आयनिक सॉलिड में दिखाई देता है। आयनिक सॉलिड का मतलब ये है, आयनिक सॉलिड का कहने का मतलब ये है कि आयंस आपको एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक अरेंजमेंट बनता हुआ आ रहा है जो फ्रैंकल डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि एक बनता हुआ आ रहा है उसमें ये करेंगे क्या, उसमें सिंपल सा करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज कहीं और से आया और बीच में घुस गया, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहीं बीच में से निकल कर आया और किसी और सीरीज के बीच में जाके घुस गया, उसको कहा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट का एक अदर नेम भी होता है जिसे हम कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी कि अपनी लोकेशन छोड़ देगा, अपनी लोकेशन से हटकर दूसरी और पोजीशन पर चला जाएगा, उसे कहा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट के बारे में बात करें तो शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। शॉटकी डिफेक्ट में सिंपल सा होता है कि एक अरेंजमेंट चलता हुआ आएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस का अरेंजमेंट चलता हुआ आएगा, उसमें एक बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड के रूप में हमें दिखाई रहता है, यानी कि लेकिन वो ऑर्डर को मेंटेन करके चलता है। ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज ही नीचे आपको गायब होता हुआ या पूरी सीरीज में एक क्रम वाइज होंगे, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव हट जाएगा या पॉजिटिव हट जाएगा, एक सीरीज में हटते हुए जाएंगे, यानी कि वैकेंसी जो करेंगे वो मेंटेन करके चलेंगे। अगर पूरी सीरीज में आपको दे रखे हैं प्लस माइनस 36 में से दो डिफेक्ट निकलने हैं तो एक पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा, दोनों को मेंटेन करके चलता है। ये नहीं है कि पूरी सीरीज में से नेगेटिव गायब हो गए या पॉजिटिव पॉजिटिव गायब हो गए, ना एक पॉजिटिव गायब होगा तो एक नेगेटिव एक सीरीज में चलते हैं, पैरेलल सीरीज में ये चलते हैं, एक पॉजिटिव गायब होगा तो एक नेगेटिव गायब हो जाएगा, एक नेगेटिव गायब होता है पॉजिटिव गायब हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। दूसरी जो बात करते हैं हम इम्पेरिटिव डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्पेरिटिव डिफेक्ट देखते हैं क्या है। इम्पेरिटिव डिफेक्ट का एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा जो NaCl क्रिस्टल का फिगर
देखने को आपको मिल रहा होगा। NaCl का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा देखिए, NaCl का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, यानी कि एक मोल्टन स्टेट में, इम्पेरेटिव इफेक्ट क्या कहता है, अगर मोल्टन स्टेट में NaCl को ले लिया जाए, मोल्टन स्टेट का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन, वैकेंसी इन NaCl बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव बाई SrCl, यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, एक NaCl दे रखा है आपका और एक SrCl2 दे रखा है। ये दोनों मोल्टन स्टेट में आपको एक लैटिस के अंदर मिल रहे होंगे। इन मोल्टन स्टेट NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इस क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म में ये मिल जाएंगे आपको, NaCl अलग मिल रहा होगा और SrCl2 आपको अलग मिल रहा होगा। एक कैटायन पोजीशन पर होता क्या है, ये अलग अलग पोजीशन पर डिफेक्ट अपनी शो आउट कराते हैं। जैसे एक पोजीशन चल के आ रही है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Cl और Cr हो गया Sr हो गया Cr हो गया Cl हो गया नेगेटिव और Sr पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव Sr पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव, एक चीज़ गायब हो जाएगी इसके अंदर से, एक Na पॉजिटिव गायब हो गया यानी कि प्लस आयन आपका गायब हो चुका है। यानी कि सिंपल सा है, जो कैटायन वैकेंसीज होंगी वो इक्वल नंबर में गायब होंगी आपकी, कैटायन जो पोजीशन होंगी वो एक इक्वल नंबर पर वैकेंसी डिफेक्ट ये शो आउट कराएगा। वैकेंसी डिफेक्ट शो आउट कराएगा अगर बाहर उसे कोई और एलिमेंट मिल जाता है। सपोज करो यहाँ से Na पॉजिटिव का एक आयन निकल गया और बाहर प्रेजेंट रहेगा Ag और क्या प्रेजेंट है आपके Cd, तो सिंपल सी बात है Ag और Cd प्रेजेंट है तो ये क्या क्या बना सकते हैं, AgCl बना सकता है आपका और क्या बना सकता है CdCl2 बना सकते हैं आपके। ये फॉर्मेशन जो रहती है वो किसके अंदर रहती है, इम्पेरेटिव डिफेक्ट के अंदर रहती है। नेक्स्ट डिफेक्ट की जो बात हम करने वाले हैं वो है आपका नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट। क्या है नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट, देखिए भाई नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट की फिगर आपको देखने को मिल रही होगी। नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट होते क्या है, नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट सिंपल सा है, नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट में एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर कोई भी मेटल होगा वो डिफेक्ट की पोजीशन शो आउट कराएगा, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होगा वो एनायन वैकेंसी के कारण होता है। जैसे एल्काइल हैलाइड ले लिया, NaCl कोई ले लिया या KCl ले लिया, वो इस टाइप के डिफेक्ट को दर्शाते हैं। एक फिगर आपको देखने मिल रहा होगा NF सेंटर इन अ क्रिस्टल, F सेंटर की वजह से क्रिस्टल जो है Na किस में टूट गया, Na आपका टूटा हुआ है Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में टूटा हुआ है, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर है, कुछ पॉइंट्स भी आपको यहाँ शो आउट हो रहे होंगे, वो नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट, यानी क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा जाता है स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट के टाइप्स क्या हैं, नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट के टाइप्स क्या हैं। यही ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश, रिवीजन सीरीज़ या रिवीजन बैच में ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि रिवीजन बैच के बारे में सबको, आपके फ्रेंड सर्कल को, सबको पता लग सके कि रिवीजन बैच चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। और स्कोर जो रखने वाले हैं हम, वो स्कोर जो है आपका वो 35 out of 35 लाना ही लाना है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करते रहेंगे तो 35 out of 35 डेफिनेट आपके आने ही आने हैं केमिस्ट्री।